जी हाँ, 2017 के चुनावी नतीजों पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कुल सीट 136, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 26 जिले हैं उनमें कुल 136 सीटें आती हैं। भाजपा 109 सीटों पर थी, सपा 21 पर, बसपा 3 सीटों पर और कांग्रेस महज 2 सीटों पर, और रालोद 1 सीट पर जीती थी छपरौली, जो कि विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गया। अखिलेश यादव भले ही 2017 में चूक गए हों, लेकिन पश्चिमी यूपी 2012 में उनके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद रहा था। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि 2012 में क्या तस्वीर थी जब अखिलेश यादव ने सरकार बनाई थी। जी हाँ, पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों की अगर हम बात करें तो 58 सीटें अखिलेश यादव ने जीती थी, 39 सीटें बसपा ने जीती थी, बीजेपी ने महज 20 सीटें जीती थी और राष्ट्रीय लोकदल ने भी उस वक्त शानदार प्रदर्शन कर 9 सीटें जीती, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती और अन्य के खाते में 2 सीट गई थी। अखिलेश यादव आज जिस मंच पर थे वहां गन्ने भी रखे गए थे, गन्ने के भाव और भुगतान को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। उनके मंच पर किसानों के इनकलाब की बात लिखी थी। सवाल यह है कि क्या किसान पश्चिमी यूपी को जिताने में इस बार अहम भागीदारी निभा सकते हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है और अहम सवाल है। जी हाँ, किसान आंदोलन की अगर बात करें तो एक किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन को एक साल पूरा होने वाला है। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर आंदोलन का प्रभाव है। गन्ने की कीमत को लेकर लंबे समय तक नाराजगी भी दिखी है। पश्चिमी यूपी के करीब 1.5 करोड़ वोटर गन्ना किसानी से जुड़े हैं। धान और गेहूं के किसानों का एक तबका भी नाराज है। 18 से 22 सीटों पर गन्ना किसान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आप सोचिए तो कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन। पश्चिमी यूपी में किसान और मुसलमान किसी को भी जिता सकते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं वो आपको बता देते हैं। जी हाँ, आंकड़ों पर नजर डालें तो 2011 के मुताबिक पश्चिमी यूपी में 72% हिंदू वोटर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम जो अगर बात करें, इसके अलावा 2011 के मुताबिक पश्चिमी यूपी में 26% मुस्लिम वोटर है। 100 से ज्यादा सीटों पर किसानों का सीधा दखल है। पश्चिमी यूपी में 4% जाट वोटर भी हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस चुनाव में अखिलेश का सबसे बड़ा दांव पिछड़ा वर्ग है। इसकी वजह भी आपको समझा देते हैं। पिछड़े चलाएंगे अखिलेश की साइकिल, ये अपने आप में बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। यूपी में 45 सीटों के करीब ओबीसी वोटर हैं। पिछड़े वर्ग को लेकर अखिलेश लगातार आवाज उठा रहे हैं। अखिलेश का नारा पिछड़ों दलितों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। इस नारे के पीछे की हकीकत को भी आप समझिए। ओबीसी दलित मुस्लिम समीकरण पर अखिलेश यादव की नजर है और गठबंधन में भी ओबीसी समाज के नेताओं को तरजीह दे रहे हैं। दूसरे दल के जिन नेताओं को तोड़ा उनमें ज्यादातर ओबीसी